तो पूरी दुनिया म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिमों के मानवाधिकार की फिक्र कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि म्यांमार में ही हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर पूरी दुनिया में चुप्पी है? पूरी दुनिया की मीडिया रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे जुल्म तो दिखा रही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि भारत समेत पूरी दुनिया की मीडिया को म्यांमार में हिंदुओं के कत्लेआम का सच नहीं दिखता? जी न्यूज ने वो सच दुनिया के सामने रखा है, जिससे पूरी दुनिया की नजरें, मीडिया नजरें चुरा रही। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त म्यांमार के रखाइन प्रांत में उसी जगह पर मौजूद है जहां हिंदुओं को सामूहिक नरसंहार के बाद दफना दिया गया। अब भी 1000 हिंदू गायब हैं। स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार के मुताबिक रोहिंग्या आतंकियों ने वहां के हिंदुओं का नरसंहार किया, महिलाओं को अपहरण किया गया और धर्म परिवर्तन करके उन्हें बांग्लादेश ले गए। रखाइन में कई ऐसे इलाके जहां रोहिंग्या मुसलमान बहुसंख्यक हैं और वहां से हिंदू आबादी रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। हिंदुओं के कई ऐसे गांव हैं जिन्हें जला डाला गया, लेकिन दुनिया छोड़िए, हमारे देश में ही म्यांमार में हिंदू हत्याओं पर कोई शोक सभा नहीं, कोई कैंडल मार्च नहीं निकलता। दुनिया में मानवाधिकार के जितने भी चैंपियन हैं उन्हें म्यांमार में हिंदुओं पर अत्याचार क्यों दिखाई नहीं देते? हमारा सवाल है कि म्यांमार में रोहिंग्या आतंकियों ने जिन हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की, क्या उनका कोई ह्यूमन राइट नहीं है? म्यांमार में रोहिंग्या आतंकियों ने जिन हिंदुओं की पूरी आबादी खत्म कर दी, उनका दर्द क्या जानबूझकर उसकी तरफ से आंखें बंद की गई? धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदारों ने चुप्पी क्यों? हर ही धर्म के नाम पर हो रहा है। और क्या अब दुनिया हिंदुओं पर अत्याचारों के उन सबूतों से जागेगी जो जी न्यूज ने म्यांमार से निकालकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया? हमारे साथ आज सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं। रघु मेनन हमारे साथ हैं, एडवोकेसी मैनेजर एमनेस्टी इंटरनेशनल, पिछले 4 साल से वो कश्मीर में मानवाधिकार के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर निजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सैयद असीम वकार हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। डॉक्टर रिजवान अहमद इस्लाम के जानकार हैं, इस्लामिक मैरिज लॉ के एक्सपर्ट हैं, उनको भी अक्सर आप जी न्यूज पर कार्यक्रमों का हिस्सा बने हुए देखते हैं। सबसे पहले रघु मेनन साहब, आप तो मानवाधिकार के चश्मे से देखते हैं सारी चीजें, धर्म के चश्मे से नहीं देखते। सर, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके पहले कभी कोई रिपोर्ट दी, कभी दुनिया को बताया कि साहब इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिए, केवल हिंदू ही मुसलमान वहां से नहीं भगाया जा रहा, हिंदू भी मार दिया जा रहा और धर्म के नाम पे मार दिया जा रहा? जी रोहित जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है, और अगर इस सवाल का मैं जवाब दूं तो अगर आप हमारे पब्लिक स्टेटमेंट्स और मीडिया स्टेटमेंट्स को देखें और एडवोकेसी को देखें यूएन में, कल ही हमने एक स्टेटमेंट जारी किया है इस घटना के बारे में, और अगस्त में जब ये वायलेंस शुरू हुआ तब भी हमने बताया था कि हर समुदाय पे जो आम नागरिक हैं, सिविलियंस जिसे कहलाया जाता है लीगल लैंग्वेज में, उन पे अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हो, चाहे मिलिटेंट ग्रुप्स कर रहे हों। और इसीलिए हमने कल अपने जारी किए प्रेस रिलीज में हमने ये बोला था कि ये जो घटनाएं अभी उभरी हैं ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से दर्शाता है कि जो यूएन की फैक्ट फाइंडिंग टीम म्यांमार के लिए बनाई गई है, उन्हें म्यांमार की सरकार को एक्सेस देना चाहिए ताकि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो कि हर प्रकार के जो वहाँ पे एथनिक क्लेंसिंग और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात छेड़ी है, हमने ही नहीं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी, और ये सब समुदाय के लिए है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि जो मार्च में घटित जो ये बनाई गई यूएन फैक्ट फाइंडिंग टीम है, इन्हें एकदम जल्दी से इन्वेस्टिगेशन के लिए फुल एक्सेस देना चाहिए। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, न्यूयॉर्क में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है जिसमें यूएन सेक्रेटरी जनरल ने सिक्योरिटी काउंसिल के सर 1.5 मिनट हो गया, माफी चाहता हूँ, पहले सवाल के जवाब में 1.5 मिनट का समय मिलता है इस डिबेट में, अगली बार जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप विस्तार से बात कर सकेंगे और दूसरों से सवाल भी पूछ सकेंगे। सैयद असीम वकार साहब, अब बोलिए, अब तो आपको हिंदुओं की भी कब्रें दिखा दी हमने वहां पर, जी हिंदुओं को भी मारा जा रहा है वहां पर और धर्म के नाम पर मारा जा रहा है? नहीं सर, कब्रों की और टाइम मैगजीन ने कोई कवर नहीं छापा सर, जिसको आप लेके पिछले 3 दिन से पैरवी कर रहे हैं इसकी? सर अब अगर सवाल पूछ लिया हो तो जवाब दूं आपको। बोले सर, मैं चुप हूं, 1.5 मिनट आपका है। 2 दिन पहले भी जो बात मैंने कही थी
आज भी मैं उसी बात पे कायम हूँ। आप बेवजह में अपने पत्रकार को, अपने रिपोर्टर को म्यांमार भेज रहे हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रोहिंग्याज शरणार्थी रह रहे हैं, हर जहाँ पर हिंदू रोहिंग्याज भी मिलेंगे और सिख रोहिंग्याज भी मिलेंगे। आप दिल्ली भेज देते, आप कलकत्ता भेज देते, आप जम्मू भेज देते, आप बांग्लादेश भेज देते, तो जो कैंपों में हिंदू शरणार्थी उनके इंटरव्यूज ले लेते। आपने यहाँ सभी मीडिया पर सवाल उठाया, मैं फिर से एक सवाल कर रहा हूँ, अभी 10 दिन पुरानी बात, 12 दिन पुरानी बात है। पूरे दुनिया में सारे मीडियाज ने दिखाया था कि 200 हिंदू रोहिंग्यास को बर्मा के जानवरों ने, बौद्धों ने जिंदा जला दिया, जिसमें 3-3 महीने के बच्चों की गर्दनें काटी गई, 6-6 महीने बच्चों को जिंदा जला दिया गया, औरतों के पेट चाक करके उनमें से बच्चे निकाले गए, उनको जलाया गया। इसके बारे में कौन सवाल पूछेगा? आप मीडिया वाले लोग हैं, आप अगर सच्चाई नहीं पहुंचाएंगे तो मेरी जिम्मेदारी बनती है अपने हिंदुस्तान के लोगों को सच्ची बात बताने की। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा हूं। आप मेरी बात माने या ना माने, आप मेरी बात से मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन मैं हक की आवाज उठाता रहूंगा और हक देश के सामने रखता रहूंगा। मैं फिर कहता हूं कि रोहिंग्या और बाकी जो मुसलमान हैं उनके बारे में बात मत ना करके इंसानियत की बात कीजिए। आंग सांग सूची ने अपनी नजरों के सामने हिंदुओं की सिंपैथी पाने के लिए इन हिंदुओं को कत्ल किया है, अपनी फौज से कत्ल करवा के उनको जमीन में लगवाया और एक मैसेज दिया है। सर, 1.5 मिनट हो गया इसलिए बोल रहा हूँ, आप ये ना समझिएगा कि मैंने आपकी बात काट दी। 1.5 मिनट हो गया इसलिए बोल रहा हूं, हम आपका कहा मान लें, लेकिन जो वहां कैमरे पर अपने परिवार को गंवाने के बाद बोल रहे हैं कि हमें मुसलमानों ने मारा, उनका ना माने आप, क्योंकि ओवैसी के प्रवक्ता हैं तो मान ले कि नहीं उनको बौद्धों ने मारा, उनको आंग सान सू की ने मारा। आपकी दलील ज्यादा सुनी जाए बजाय इसके कि जिसने अपने परिवार की औरत खोई है, अपना बच्चा खोया है, क्यों नहीं? जी सवस्ती साहब, रोहित जी बिल्कुल साफ सी बात है, वकार साहब से ही मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके पास ये गुप्त जानकारियां आती कहां से? वकार साहब मुझे बोलने दीजिए, अब सर सुनिए, मैं बोल, वकार साहब आप बोल चुके हैं, आप अगली बार आऊंगा, आप बहुत दिनों से बोल रहे हैं रोहिंग्याज के बारे में, हो गया सर, बहुत दिनों से बोल रहे हैं आप, प्लीज आप सामने वहां पर आप करें कि आपने क्यों भेजा वहां पर। मुझे लगता है कि आज आपको ये बधाई देनी चाहिए थी जी न्यूज को, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि सच सामने लाए और कह रहे हैं आपने क्यों भेजा वहां पर, और आप फिर उसको हिंदू मुसलमान के बारे में बौद्धों से बढ़ाने लगे। आपको वहां के जाकर के ऑन द स्पॉट वहां पर जाकर के जी के संवाददाता ने जो बातचीत की उस पर आपको विश्वास नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है? वहां पर आपको महिलाएं, बच्चे, भूखे, ये सब नजर नहीं आ रहे हिंदुस्तान के किसी मीडिया को जो अब तक रोहिंग्या? हैरत की बात यह कि एक सी लाइन है सबकी, ये एक ही लोग हैं जो गौरी लंकेश पर उसके उनको पहले मालूम चल जाता 15 मिनट के अंदर किसने मारा, यहां पर उनको मालूम चल जाता है कि आंग सिंह सू ने मारा। इनके पास ऐसी इंटेलिजेंस खबर है कि सारी खबरें जो अभी किसी को मालूम नहीं है वो ये निष्कर्ष निकाल के दे देते हैं। रोहित जी सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरा समाज, पूरा देश ऐसा देख रहा है कि कुछ लोग एक कुछ खास घटनाओं पर एक खास तरीके का एक सांप्रदायिक चश्मा लगा करके उसका विश्लेषण करते हैं। वकार साहब पिछले काफ़ी, अब देखें जब जब ऐसी कोई घटना हुई है उसको उसी चश्मे से देखते रहे। मुझे हैरत की बात एक बात लगती है, वकार साहब इतने असुरक्षित हैं हिंदुस्तान में मुसलमान तो क्यों रखना चाहते हैं? और नहीं तो आप पहले उनसे माफ़ी मांगने को कहिए, उन लोगों से जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तब यहाँ पर रोहिंग्यास को रखने की हिमायत करिएगा आप। पहले उनसे माफ़ी मंगवाइए, उनसे कहिए कि पूरे देश से माफ़ी मांगे जो उन्होंने गलत बयानी की है, हिंदुस्तान बहुत सुरक्षित है, तब यहाँ पर रोहिंग्यास का आप पक्ष रखिएगा। ठीक, सुधांशु त्रिवेदी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लगातार एक नैरेटिव बिल्ड किया गया पिछले कई दिनों से कि मुसलमानों को वहाँ से मार के भगाया जा रहा है। अगर ये वाकई ह्यूमन राइट्स का मामला था, अगर ये वाकई इंसानियत का मामला है जैसा दावा कर रहे हैं सैयद असीम वकार कि उनकी इंसानियत जागी है इसलिए वो ऐसी साफ खड़े हुए हैं, तो फिर उन हिंदुओं की बात भी होनी चाहिए थी जिनके घर जला दिए गए, जिनको मार के वहीं गांव में सामूहिक कब्रें बना दी गई उनकी, और जिनकी औरतों को उठा के बांग्लादेश ले जाया गया, धर्म परिवर्तन कर दिया गया। नहीं देखिए, इस देश में जो सेकुलरिज्म का नैरेटिव पिछले 60-70 सालों में डेवलप किया गया है उसमें हिंदुओं का संहार नरसंहार हम जाति और धर्म के आधार पर नहीं देखते, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। कश्मीर से लेके कैराना तक और आसाम से लेके केरल तक लगातार जिस प्रकार का डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, यह देश जब आजाद हुआ तो हिंदू पॉपुलेशन कितनी थी आज कितनी है, अल्पसंख्यक पॉपुलेशन कितनी थी आज कितनी है देख लीजिए। बगल में पाकिस्तान बांग्लादेश, जब पाकिस्तान में 24% हिंदू था आज 1% है, बांग्लादेश में 32% था आज 8% है। क्या ये अपने आप में मानवाधिकारों के अलंबरदारों के आंखों पर चढ़े हुए मजहबी चश्मे में ये उनको दिखाई नहीं पड़ता? मगर इनकी इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त है, देखिए वकार साहब को कितना पता है कि वहां बौद्धों ने मरवाया,
भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी जो कह रही है, बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है, बर्मा की इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही रोहिंग्या पे, वो इन्हें समझ में नहीं आता इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ अलग इल्हाम होता है कि 2013 के बौद्ध गया के ब्लास्ट में पहले ही कह देते हैं इसमें संघियों का हाथ है, और 26/11 के हमले के लिए दिग्विजय सिंह पुस्तक का विमोचन करते हैं जाके कि 26/11 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं, 2012 में मुंबई में अमर जवान ज्योति तोड़ी गई थी रोहिंग्या के मुद्दे के ऊपर, उसका क्या जवाब है? हाफिज सईद का समर्थन, जाकिर मूसा का समर्थन रोहिंग्या का, और छोटा बर्मी जिसको कहते थे रोहिंग्या का नेता, वो हाफिज सईद के साथ खड़ा हुआ है। इसके बाद भी अगर आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ाए तो ठीक। सर डेढ़ मिनट हो गया। रिजवान साहब अब मैं आपके पास आ रहा हूं आखिर में, इससे पहले कि मैदान खुल जाए और सब अपनी अपनी बात कह सकें। सर दुनिया भर के टीवी मीडिया को या अखबार को मुसलमान परेशान है ये दिखाने से ज्यादा लोग देखने लगते हैं क्या? रोहित जी, मुस्लिम टेररिज्म को मैं मुस्लिम टेररिज्म बोलता हूं, सिर्फ टेररिज्म नहीं बोलता हूं, ना इस्लामिक बोलता हूं, मुस्लिम टेररिज्म को, मुस्लिम माइग्रेंट को, मुस्लिम रेफ्यूजीज को आइसोलेशन में देख के ना पढ़ा जा सकता है ना समझा जा सकता है। ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, ग्लोबल, इसको आपको ग्लोबली समझना पड़ेगा। अभी एक घटना मेरे सामने आई है, मैंने 6-7 दिन पहले से बीबीसी पे देखा, शर्मनाक घटना है। आप हिंदुओं के मारे जाने की बात कर रहे हैं और यही शरणार्थी, यही रोहिंग्या हमारे हिंदुस्तान में आके पनाह मांग रहे हैं। एक नाव चली लीबिया से, मुस्लिम देश से चली इटली के लिए, ईसाई देश के लिए, उसमें थोड़े से ईसाई भी बैठे थे। मेडिटेरियन सी में मुसलमानों के और ईसाइयों के बीच में लड़ाई होती है। क्रिश्चियन रेफ्यूजीज थ्रोन ओवरबोर्ड बाय मुस्लिम माइग्रेंट्स ऑन क्रॉसिंग फ्रॉम लीबिया टू इटली, गूगल पे इस न्यूज को देखा जा सकता है। 11 ईसाइयों को मुसलमान रेफ्यूजीज ने उठा के मेडिटेरियन में फेंक दिया, और वो मुसलमान ईसाई देश में क्रिश्चियन कंट्री में ही पनाह लेने जा रहे थे। इससे ज्यादा बेशर्मी और इससे ज्यादा बेहयाई और कोई कौम के लिए नहीं हो सकती है। जो भी आदमी रोहिंग्याओं की पैरवी कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे कि वो इनकी गारंटी लेता है। अगर वो हलफनामा नहीं देता है तो मेरे हिसाब से वो देश का दुश्मन है। ठीक सर, डेढ़ मिनट हो गया। असीम बकार, आपकी पार्टी कोर्ट में हलफनामा देगी क्या? आपके तो नेताजी वकील भी हैं, बैरिस्टर हैं, लीगल एड भी देते हैं वो तो। सर चकमास के लिए आपने रोहिंग्या पर फिलहाल बात कीजिए सर, एक सेकंड। और जो लिट्टे के समर्थित जो तमिल उग्रवादियों के समर्थन में, इस पे बात ही नहीं करेंगे। तमिल वहां से आए थे, श्रीलंका से, हिंदुस्तान में साउथ में रह रहे थे, उनके लिए किसने हलफनामा दिया था? जो नेपाली यहाँ रह रहे हैं उनके लिए हलफनामा किसने दिया है? सर ये सब आतंकवादी थे। जो अफगानिस्तानी आए उनका हलफनामा किसने? ये सब आतंकवादी थे। जो पाकिस्तान के हिंदू यहाँ रह रहे हैं ये सब मार मार के आए थे क्या? हिंदू वहाँ के मार के आ रहे हैं क्या पाकिस्तान में लोगों को? पूछ रहा हूँ आपसे, हलफनामे की बात आई है। सर पाकिस्तान से जो हिंदू आ रहे हैं वहाँ हत्याएं करके आ रहे हैं क्या? दीजिए मुझे। और पाकिस्तान से जो हिंदू आ रहे हैं वो उतने हिंदुस्तानी है जितने की आप है। अगर आपको याद ना हो तो 1947 से पीछे देख लीजिएगा। रोहित मैं एक बीच में बोलूंगा कि ऐसा इन सबका जिसने नाम लिया, भारतवर्ष में मुसलमान असुरक्षित है, पहले उसका जवाब दे दीजिए। बोलने दीजिए तो, आपने तमिल, चकमान, नेपाली, भूटानी सब बात नाम दे दिया। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है? हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है तो मैं चुपचाप बैठे, बोलिए ना, इसी पर बोलिए। आप तमिल, नेपाल सब पर बोल रहे हैं, जरा रोहिंग्या पर बोलिए और इस वाक्य पर बोलिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, किसी की वाइफ को यहां से छोड़ के जाने पड़ रहा है, कोई शीर्ष पद पर बैठा हुआ कह रहा है। आप जरा उनसे कहिए कि नहीं, हिंदुस्तान का सुरक्षित नहीं है। ठीक है अवनी जी, आप अपनी बात क्यों मुझ पर थोप रहे हैं? आपकी बात मैं नहीं मानूंगा, आप कहलाते रहिए। मैंने आपसे कहा आप मेरी बात मुझ पर क्यों थोप रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आप मत मानिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं नहीं मानता आपकी। आप भी तो थोप रहे हैं असीम वकार। आपने तय कर दिया आंग सान सू की आतंकवादी है, आपने तय कर दिया कि आंग सान सू की का नोबेल पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए, आपने तय कर दिया कि बौद्ध आतंकवादियों ने मारा है, आपने तय कर दिया कि हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा है, आपने तय कर दिया कि आंग सान सू की सरकार ने हिंदुओं को मरवाया है। भाई जिनको आप जानते तक नहीं है उनकी पैरवी में किसी को भी झूठा साबित कर रहे हैं अपने देश समेत। शायद ज्यादा चिल्लाने से आवाज बंद हो गई उनकी, हम वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रघु मेनन, अगर यह चीज केवल मानवाधिकार के चश्मे से देखी जाती
जी, तो आपको लगता नहीं कि भारत ज्यादा मजबूत स्थिति में होता यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय मसले को कूड़ा कर दिया पूरी तरह से अपने वोट बैंक के लिए? सर आपकी आवाज नहीं आई है। सर मेरा सवाल यह है, आपको लगता नहीं कि अगर इसको धर्म के चश्मे से ना बांट के देखा जाता, मानवाधिकार के ही मसले के तरीके से देखा जाता, तो यह भारत की स्थिति को बेहतर और मजबूत तरीके से पेश करता दुनिया के आगे, बनिस्बत इसके कि हमारी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना वोट बैंक देख के एक अंतर्राष्ट्रीय मसले को कूड़ा बना रही? सर जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है और अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे जो डिसीजन लिया जाता है वो तो सरकार ही लेती है, और सरकार को ही इसकी पैरवी करनी चाहिए, सरकार को लीड करना चाहिए। और सरकार को ये जो अब जो और इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पे अटैक नहीं हुआ है, मुसलमानों पे भी अटैक हुआ है और बुद्धिस्ट पे भी हुआ है, और ये काफ़ी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और लोग बोल रहे हैं। आप ये देखिए, बात इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि म्यांमार सरकार ने वहाँ पे एड एजेंसीज को भी जाने नहीं दिया है, जबकि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर के इर्द गिर्द उन्होंने लैंड माइंस बिछाए गए हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेस और इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि काफ़ी घर जलाए गए हैं, और जो ये मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं बाकी कम्युनिटीज़ पे, ये दर्शाता है कि वहाँ जो मामला है बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही नाजुक है। और अभी अगर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इंक्लूडिंग इंडिया अगर इसमें मजबूती से कदम नहीं उठाएंगे तो ये चलता रहेगा। वहाँ पे क्या हो रहा है ये बिल्कुल नहीं पता किसी को, कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं, हमें सिर्फ रेफ्यूजी पॉपुलेशन का मालूम है और ये एक दो केसेस मालूम है। तो इसका ये दर्शाता है कि वहाँ पे और बहुत कुछ हुआ है, नरसंहार के नाम पे, डिस्प्लेसमेंट के नाम पे, लैंड जब्त करने के नाम पे, ऐसे इतने केसेस आए हैं कि म्यांमार सरकार ने इसीलिए इतने सालों से एक्सेस नहीं दिया है। ये मार्च की बात है जब एक्सेस की बात हुई थी फैक्ट फाइंडिंग टीम के लिए, ये अभी की बात नहीं है, ठीक है, तब से ब्लॉक किया गया है, ठीक है। अब जो हुआ है अगस्त के बाद, ये दर्शाता है कि वहां पे मामला बहुत ही नाजुक है, ठीक। ये जो यहाँ पे जो आपके स्पोक्स पर्सन है बाकी जो बोल रहे हैं कि किसी ने अटैक किया है तो रोहिंग्या ही सारे वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, मिलिटेंट, ये कलेक्टिव पनिशमेंट की बात हो रही है, ठीक है। आप पूरे एक समुदाय को आप ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ये सर, आग से खेला जा रहा है सर, आग से सबके लिए, आग से वो लोग नहीं खेल रहे जो ये कह रहे हैं कि बौद्ध मार रहे हैं, हिंदुओं ने मार दिया, आंग सान सूकी का नोबेल वापस ले लो, उसने मरवा दिया, वो लोग आग से नहीं खेल रहे क्या? सर उनकी कौन बात कर रहा है, मैं तो बात कर रहा हूं वहां पे इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो नैरेटिव आपको सूट करता है तो उनकी बात नहीं करेंगे, वो नैरेटिव आपको सूट करता है, आप और मैं तो वो बात नहीं करेंगे, आप और मैं तय करेंगे वहां पे क्या हुआ है, तय तो हम नहीं करेंगे सर, तो रख सकते हैं ना सर, तय तो नहीं करेंगे लेकिन दिखा तो सकते हैं, देख तो सकते हैं, आंखें बंद कर ले कि आग से खेलना है वो भी, कम से कम इतना तो कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, आपने दिखाया, ये बहुत अच्छी बात है, ये भी दिखाएं और वो भी दिखाएं जो बाकी जो कम्युनिटीज पे जो अटैक हुआ है, सब चीजें दिखाएं, क्योंकि ये सिर्फ सिविलियंस पे जो अटैक हो रहा है वो सिर्फ एक कम्युनिटी पे नहीं अटैक हो रहा है, वहां पे वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ कम्युनिटीज रहते हैं, उन सब पे अटैक हुआ है, वायलेंस का जो इम्पैक्ट हुआ है वो सब पे हुआ है, ठीक है, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी आप बोल लीजिए, देखिए रिजवान साहब आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। मैं इनकी बात को सिर्फ एक फैक्ट के साथ कहना चाहूंगा, देखिए जिस ढंग के परिवर्तन हुए हैं, मैं एक घटना बताता हूं, एक गैर भाजपाई नेता ने मुझसे बोला था, वो भाजपा के नेता नहीं थे और वो बंगाली थे, कि 100 साल पहले 1905 में जब बंगाल का डिवीजन किया गया था, यानी आज का बांग्लादेश और हमारा वेस्ट बंगाल, उस समय लगभग डेमोग्राफिक कॉन्फिगरेशन ये था कि अनडिवाइडेड बंगाल में 2/3 के लगभग हिंदू था और 1/3 के लगभग मुसलमान था। आज 100 साल के बाद इफ यू टेक इनटू अकाउंट द अनडिवाइडेड बंगाल, इट इज ऑलमोस्ट रिवर्स, इट इज ऑलमोस्ट 1/3 हिंदू एंड 2/3 मुस्लिम। क्या आपको लगता है कि 100 साल में इतना बड़ा डेमोग्राफिक परिवर्तन यह आपको नजरों से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि आप केस बाय केस व्याख्या करेंगे, अगर केस बाय केस व्याख्या करेंगे आप रोहिंग्या केस की अलग बताएंगे, भाई वही झगड़ा थाईलैंड में है बुद्धिस्टों से, उसका आप अलग व्याख्या करेंगे, ठीक, चाइना के सिक्यांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई, उसकी अलग व्याख्या होगी, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई है, उसकी अलग व्याख्या होगी,
बोस्निया हर्जेगोविना में सर्वों से लड़ाई है, उसकी अलग व्याख्या होगी। इसराइल में यहूदियों से लड़ाई है, फिलिस्तीन में उसकी अलग व्याख्या होगी। सोमालिया और सूडान में अफ्रीकियों से लड़ाई, उसकी अलग व्याख्या होगी। और फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम, स्पेन, मैड्रिड, वहां पे लड़ाई, उसकी अलग व्याख्या करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके जहाज चला गया, उसकी अलग व्याख्या करेंगे। अरे भाई, कॉम्प्रिहेंसिव दृष्टि से क्यों नहीं देखते? ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और रोहिंग्या प्रॉब्लम भी उसी का हिस्सा है। ये जो आप सेपरेट, जैसे आपने कहा ना, पूरे कौम के ऊपर, अरे कोई पूरे कौम पे नहीं कह रहा है, मगर पूरी कौम की तो बात आई थी तो कश्मीर पे आपने नहीं बोला था, कैराना में आपने नहीं बोला था, मल्लापुरम में आपने नहीं बोला था, और जो कुछ बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुआ नहीं बोला, मगर यहां तो भाई पूरी दुनिया का तो फिगर देख लो। इसलिए जो छोटी चीज के द्वारा आप बचाने का प्रयास करते हैं, ये मैं कहूंगा ये तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने का एक प्रयास है, और ये इतना खौफनाक प्रयास है, देश और दुनिया दोनों खतरे में डाल रहा है। ठीक है, सैयद वसीम वकार पहले बोल लीजिए आप, उसके बाद रिजवान साहब आपके पास आ रहा हूं। ये मेरी आवाज कट कट के आती है सर, मुझसे कहा है आपने? जी, आप ही से कह रहा हूं। हेलो सर, मुझसे कहा है आपने? हाँ, आप ही से कह रहा हूं वसीम साहब, आप ही से कह रहा हूं। देखिए, मैंने सुधांशु जी को सुना, सितंबर सन 2017 की जो पीटीआई की रिपोर्ट है, मैंने उसका हवाला दिया। उस पर ना तो आप बोल रहे हैं, ना ये बोल रहे हैं, ना कोई बोल रहा है। मैंने ये कहा कि 1000 हिंदू रोहिंग्यास बर्मा से रिफ्यूजी बनकर बांग्लादेश आए, और उन्होंने, वकार साहब, मैंने वर्मा नहीं, पूरी दुनिया का उदाहरण दे दिया, सबका जवाब दे दीजिए, बर्मा के बौद्धों ने जिंदा जला दिया। सर सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए मेरी हजरत, ये आपने तय किया है? आपकी 2012 से प्रॉब्लम चल रही है, एमआईएम की अपनी वहां इंटेलिजेंस एजेंसी चलती है म्यांमार में। सर सुन तो लीजिए सर, अरे सर सुन तो लीजिए मेरी बात, आप तो सुनाइए ना, मैं मना कब कर रहा हूँ भाई, आप कुछ बात कह रहे हैं, उसका कोई आधार तो दे दीजिए। 2017 तक भाई, परसों आप कह रहे थे कि आईएसआईएस का मुखिया बगदादी जो है वो यहूदी है, ऐसे बात काटेंगे आप? फिर आप कह देंगे कि 9/11 तो अमेरिका ने खुद कराया था। सर कोई तथ्य पे तो कह दीजिए साथ में, बात तथ्य तो बता दीजिए कि भाई जस कराया था उसने, खुद कराया था भाई। ओसामा, मुझे पता था आप ये कहेंगे कि अमेरिका ने कराया 9/11। मैं आपसे कह रहा हूँ, आई कैन प्रूव, प्रूव करिए भाई, तो कह रहे हैं प्रूव करिए। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं जो बातें आप कह रहे हैं उनका कोई आधार है आपके पास? किस आधार पे कह रहे हैं ये तो बता दीजिए, या क्योंकि आपने कह दिया तो मैं मान लूं? बिल्कुल आधार है सर, क्योंकि आप ओवैसी के प्रवक्ता हैं, अगर तो आप जो भी कहेंगे वो सत्य वचन है ना। आप तो छड़ी लेके बैठते हैं सर। मैं तो बैठता हूँ, मेरे प्रोग्राम का नाम है ताल ठोक के, छड़ी लेके बैठते हैं, सवाल पूछूंगा, आपको बुरा लग रहा है? मानेंगे तो आप सब जवाब दे दीजिए सही, नहीं तो ठीक है फिर। आदमी को सर ऐसे नहीं चल पाता है सर, मेरी छड़ी से बेहतर रहेगा, जनता की छड़ी पड़ेगी तो बहुत दुर्गति हो जाएगी, आप लोग समझिए इस बात को। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रोहित सरदना जी, नहीं सर चलिए मैं बैठा हूँ चुपचाप, ओके थैंक यू। बोलिए, मैं तो कह रहा हूँ आधार बता दीजिए ना, किस आधार पे कह रहे हैं वो बता दीजिए, बात ही खत्म, आधार साथ में बताइए, पूरी बात कहिए। 2014 से लेकर 2017 तक, सर सुनिए, अभी सुधांशु जी ने पूछा, एमआईएम मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असद ओवैसी साहब ने 3 बार कश्मीर के पंडितों का सवाल उठाया कि कश्मीर के पंडितों का रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, उनको वापस भेजा जाना चाहिए। सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है? लोकसभा में हमारे सदर ने सवाल पूछा, असद ओवैसी साहब ने सवाल पूछा, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। आपको जवाब देना है, आप जिम्मेदार हैं, आप सरकार में, आप उन पे बात कीजिए। हम सवाल कर सकते हैं लेकिन हल करना आपकी जिम्मेदारी है, जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार में हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि अभी 3 सितंबर 2017 की बात मैं कर रहा हूं, 200 हिंदू रोहिंग्यास को बर्मा के बौद्धों ने जिंदा जलाया, 3-3 महीने 2-2 महीने के बच्चों की गर्दनें काटी। अरे भाई, इसका क्या आधार है आपकी बात का? लेकिन आपका चैनल भी चुप है, बीजेपी भी चुप है, मैं गारंटी से कह रहा हूं इस बात को। आप अपना आधार बताइए ना, आधार आप बता नहीं रहे पाने के लिए, फिर कहते हैं मुझे बोलने नहीं दे रहे। यहूदियों की और हिंदुस्तान के लोगों की चाल है सर, बीजेपी की चाल है सर, ये सर ये चाल है भैया, मैंने बता दिया वकार साहब की साजिश है। ये बर्मा में भी चाल है, थाईलैंड में भी चाल है, चाइना में भी चाल है, रूस में भी चाल है, पूरे अफ्रीका में भी चाल है, यूरोप में भी चाल है। लाखों लोगों को मार सकते हैं, जो आप बरगड़ाना चाह रहे हैं लोगों को मार सकते हैं, वो 45 को भी मार सकते। ये सारी चालें आप ही के खिलाफ क्यों हो रही भाई? दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो रही हो, दूसरी पार्टी चाहे जो, पहली पार्टी आप बन के खड़े, और उसके बाद आप कह रहे हैं ये चाल है और वो चाल है। 9/11 भी गलत था, वो भी चाल थी और ये भी चाल है। सर दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो रही हो, आप बीच में टांग अड़ाने वाले बन जाते हैं। आप हिंदुओं के रखवाले हैं तो 200 हिंदू पे जवाब दीजिए। मैं हिंदुओं को छोड़ दीजिए भाई,
यहूदियों से, ईसाइयों से, अफ्रीकियों से और हिंदुस्तान से। अच्छा लड़ाई छोड़ दी, सवाल मैं पूछ रहा हूँ। एक झगड़ा हो चुका हो, रोहित सरदेना विल रिप्लाई, झगड़ा हो चुका हो आप लोगों का, बीजेपी विल रिप्लाई, आप लोगों का झगड़ा हो चुका हो, अगर कौन रिप्लाई करेगा, अगर आप लोगों का झगड़ा हो चुका हो तो मैं रिजवान साहब से कमेंट ले लूं। जो लोग 200 हिंदुओं को जला सकते हैं वो 45 को भी मार सकते हैं। अगर मैं रिजवान साहब से जवाब ले लूं तो आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे सैयद असीम वकार अब कि भाई इनको क्यों बोलने दे दिया? मैं पूछ लूं उनसे सवाल साथ में। वकार भाई, सर आपने बुलाया, ठीक सर, ठीक रिजवान साहब, आप मुझे एक बात बता दीजिए रिजवान साहब, थोड़ी देर के लिए इनकी आधारहीन बातों को मैं मान लूं कि ठीक है ये थ्योरम लेके आए हैं उसको प्रूव करने के लिए इनके पास कोई आधार नहीं है, पर क्योंकि ये कह रहे हैं इसलिए मान लेना चाहिए थोड़ी देर को, जब तक ये खारिज ना हो जाए तब तक के लिए। तो सर मुझे केवल ये बता दीजिए, जो सवाल सुधांशु जी उठा रहे हैं, रिजवान साहब इसराइल में तो मोदी की सरकार नहीं है तो मोदी साजिश नहीं कर रहे होंगे वहां पे, फ्रांस में मोदी की सरकार नहीं है मोदी साजिश नहीं कर रहे होंगे वहां पर, स्पेन में मोदी की सरकार नहीं है मोदी साजिश नहीं कर रहे होंगे, ब्रिटेन में मोदी की सरकार नहीं है, बोस्निया हर्जेगोविना में मोदी की सरकार नहीं है, इराक में मोदी की सरकार नहीं है, इन सारी जगहों पर जहां जहां आईएस जाके चढ़ बैठा हुआ है वहां मोदी की सरकार नहीं है, तो वहां पर कौन किसको मार रहा है सर? सर सुधांशु बाब भाई की बात का समर्थन करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ा के वकार भाई से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, डायरेक्ट मेहरबानी होगी वकार भाई पूरा बात सुन ले और फिर मुझे उसका जवाब दें। अल शबाब से लेके बोको हराम से लेके पिछले 20-22 साल की बात कर रहा हूं, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, सद्दाम हुसैन से लेके बगदादी से लेके असाद से लेके अलकायदा से लेके तालिबान से लेके सऊदी अरेबिया जो यमन पर एक साल से बमबारी कर रहा है उसको लेके 20 साल में मेरा जो आंकड़ा कहता है 15 से 18 लाख मुसलमान ने पूरी दुनिया में मार दिए मुसलमान ने। लेकिन इन किस्सों पर, इन मानवाधिकार पर हमारे मौलानाओं की के कान पर जू नहीं रेंगती। इन्हें परेशानी सिर्फ तब होती है जब कोई गैर मुस्लिम कहीं मुस्लिम को मारता है, जब इसराइल पैलेस्टीनियन को मारता है तो ये जलूस निकालते हैं, जब अमेरिका इराक पर बॉम्बिंग करता है तो ये मस्जिद के बाहर हर जुमे में अमेरिका का पुतला जलाते हैं, जब म्यांमार में मुसलमान मारे जाते हैं तो ये आजाद मैदान में तोड़फोड़ करते हैं। अरे अरे वकार भाई, 20 साल में 20 लाख मुसलमान को मुसलमान नहीं मार दिया, उसके बारे में आपका क्या कमेंट है, क्या विचार है? जो कमेंट मेरा कश्मीरी पंडितों के लिए है, जो हमदर्दी जो मेरी रोहिंग्याज हिंदुओं के लिए है, जो मेरी हमदर्दी रोहिंग्याज मुसलमानों के लिए है, जो मेरी हमदर्दी बाकी लोगों के लिए वही उन मुसलमानों के लिए भी है। मैं कभी भी किसी भी तरह की हिंसा की पैरोकारी नहीं कर सकता, मेरी पार्टी किसी हिंसा की पैरोकारी नहीं करती है। बोले बोले सुन रहे हैं आपको सब। मैंने एक जेन्युइन सवाल पूछा आप लोगों से, मैंने ये कहा कि आंग सांग सूची की किस बात पे यकीन कर रहे हैं आप? क्या आप मौजूद थे वहां पर? आप थे क्या? हलफ उठा के ये बात कही आप थे क्या जो कह रहे हैं बौद्धों ने मार दिया 200 हिंदुओं को? झूठ बोल रहे हैं और आंग सांग सूची सब। आपने जेम्स बॉन्ड की सर्विस हायर कर रखी है क्या अपनी पार्टी के लिए? जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा इस सवाल पे। सर आपने कौन सी सर्विस हायर कर रखी है? हम तो सर एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है तो मान रहे हैं उसकी बात। मैंने हम उम्मीद करते हैं कि देश का राष्ट्राध्यक्ष झूठ नहीं बोलता, नोबेल पीस पुरस्कार जिसको दुनिया ने दिया वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। आप जवाब नहीं दे रहे हैं सर, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको जवाब देना है, आपकी जिम्मेदारी है। देखिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं दुनिया के सामने हक और सच लेकर आ रहा हूँ। नहीं सर, अब आप छुपा रहे हैं तो आप छुपाइए। नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि दुनिया के सामने सारे झूठों को बेनकाब किया जाए। मैं कर रहा हूँ सर। सर मैं कर रहा हूँ ना, सच्चाई लेकर आ रहा हूँ। जनता समझ रही है, हिंदुओं से बात, जनता अपने आप समझ रही है सर, जनता अपने आप समझ रही है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। एक काम करते हैं सर, आप ये बता दीजिए, एक काम करते हैं, कौन से लोग आप मानेंगे नहीं, कौन से लोग हैं आप? हालांकि मानेंगे नहीं क्योंकि आपकी पार्टी आपको बाहर निकाल करेगी अगर आपने मान लिया तो। जो दो दो महीने असीम वकार, असीम वकार, ये कौन से लोग? असीम वकार, जो डेढ़ महीने के बच्चे का शरीर बीच से काट देते हैं। असीम वकार, मैं सुनवाता हूं ना आपको कौन लोग हैं, सुनिएगा, मैं आपको सुनवाता हूं जो रिपोर्ट आई है म्यांमार से, और आप पूछ रहे थे कि हम क्यों गए वहां पे, जरा सुनिएगा, वो लोग बताएंगे कौन लोग हैं जो बच्चे निकाल के ले जाते हैं गर्भवती औरत का पेट काट के। सुनिए ना सर, सुनिए सुनिए, अब डरिए मत, हम सुनिए किसी रिपोर्ट में, डरिए मत सर। हाँ कैसे यकीन करेंगे, आपने तो जेम्स बॉन्ड हायर कर लिया आपने लिए वहां पर, आपने अपने वहां पे बैठा रखे हैं लोग, वो आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से, है ना? हुकूमत
म्यांमार की आर्मी। सर आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान में आप समानांतर एक सिस्टम चला रहे हैं पूरा का पूरा। म्यांमार की आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान में समानांतर सरकार चलाते हैं आप। आपकी इंटेलिजेंस अलग है, आपकी पुलिस अलग है, आपकी अदालतें अलग है, इसलिए आपके फैसले भी अलग होंगे, है ना? आप इस भारतीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है क्या जो एक संविधान के तहत आती है? मैं आपसे कह रहा हूँ 200 हिंदू पे क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मैं जो बुलवा रहा हूँ जो सुनवा रहा हूँ 3 सितंबर 2017 की जो 200 जो मैं सुनवा रहा हूँ वो सुनने की आप में हिम्मत नहीं है इसलिए आप चिल्लाए चले जा रहे हैं। मैं जो सुनवा रहा हूँ वो सुनने की हिम्मत नहीं है इसलिए आप चीखते चले। सर मैं कह रहा हूँ 200 हिंदुओं को जिंदा जलाया गया। सुनिए ना, वो बता रहे हैं 200 हिंदुओं को किसने जलाया और फिर करिए पैरवी उनकी। सुनिए क्या कह रहे हैं वो लोग जिनके परिवार जला दिए गए। सुनिए उनको, सुनिए जो सच वहां से आया है। सरकार से पूछा, हिम्मत है तो सुनिए कि 3 सितंबर 2017 को 200 हिंदुओं को जिंदा क्यों जला दिया? सर आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? सर सुन लीजिए, सर आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? सुनवा रहा हूँ। 3 सितंबर 2017 को सुनिए 200 हिंदुओं को जिंदा जलाया गया है। साहब तीन महीने बौखलाइए मत, सुनिए। छतरा बस्ती थे हम एक ऐसे वो जब बांगली मुसलमान हो रहा एक ऐसे क्या कर हमला कर से उतने मार काट पहले से उसके बाप उसके पिता माता उसकी भाई उसकी बेटे मार गई है। ये बांगली मार दिया है उसकी माँ बाप पिता माता को मार दिया है। यहाँ आने के बाद हमें ये पता चला है कि उस जगह पर तमाम हिंदुओं को मारा गया है, जमीन में दफनाया गया है और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर लगातार खुदाई चल रही है और उसके बाद यहाँ जमीन से तमाम जो डेड बॉडीज हैं वो मिलनी शुरू हो गई हैं। तो रघु मेनन साहब आपने सुन लिया, आपने शायद रिपोर्ट भी देखी हो अगर आपको वक्त लगा हो तो, हमने कल रात में दिखाई थी। और मुझे लगता है कि बजाय हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों के जो लाशों में भी वोट तलाशती हैं, आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कम से कम कि आप इन चीज़ों को धर्म के चश्मे से दिखवाना बंद करके इनको फोर्स करें कि अगर आप वाकई इंसानियत के नाम पे रोहिंग्याज को शरण की वकालत कर रहे हैं तो इंसानियत के तरीके से तो देखें चीज़ों को। बिल्कुल, हम यही बोल रहे हैं जब से अगस्त में वायलेंस शुरू हुआ है, हम यही बोल रहे हैं कि सब सिविलियंस पे अटैक हुआ है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया हो चाहे वो मिलिटेंट ग्रुप्स ने किया हो, और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जांच होनी चाहिए जो यूएन बैठा चुकी है जिसे लेकिन म्यांमार सरकार अंदर नहीं जाने दे रही है। और ये जो आप बता रहे हैं ये दर्शाता है कि कितने डेंजर्स हैं एक सिविलियन पॉपुलेशन के लिए इस थिएटर ऑफ वॉर में। तो मेरे ख्याल से ये जो रिपोर्ट है, और अगर आप इस रिपोर्ट को यूएन फैक्ट फाइंडिंग टीम को देते हैं, उनको भी कुछ सोर्सेस मिलेंगे क्योंकि उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। म्यांमार सरकार घबरा रही है अंदर जाने, उनको अंदर जाने नहीं दे रही है। और मैं भी ये भी एक्चुअली पूछना चाहता था क्योंकि ये जो आपने रिपोर्ट दिखाई है इससे यहाँ ये एक बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता था कि म्यांमार सरकार ने आपको दूसरे इलाकों में एक्सेस दिया था क्या, जहाँ पे खबरें आ रही हैं कि घर जलाए गए हैं, लोगों को मारा गया है, 4,50,000 रोहिंग्याज जो शरणार्थी बन गया है जिसकी वजह से, क्योंकि हमें वो भी दिखाना चाहिए, हमें वहां से भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक, हमारे रिपोर्टर अभी वही है रघु मेनन, इसको हमें इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। हमारे रिपोर्टर अभी वही है जी, और केवल मैं होप करता हूँ कि आपके रिपोर्टर्स को दूसरी जगहों पे भी जहाँ पे वायलेंस हुआ है वहां पे एक्सेस मिले, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजरीज दिख रही हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दिखाई हैं उससे ये दिखाया जा रहा है कि 80 से ज्यादा कस्बे जलाए जा चुके हैं। तो ये बहुत ही मतलब जहाँ वहां पे हो रहा है हमें कुछ नहीं मालूम, हमें सिर्फ ठीक बोलते हैं अंग्रेजी में टिप ऑफ द आइसबर्ग के बारे में मालूम है। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन अब मेरा कहना यह है अवनी जेश जी कि किसी को एक्सेस नहीं मिल रहा है वहां पे। एमनेस्टी को तो चलिए हम फुटेज दे देंगे, यूएन को भी हम दे देंगे फुटेज के साथ, हमने शूट किया, आपको अगर एक्सेस नहीं है हमारा फुटेज देख लीजिए। सर जो दिमागों पे और आंखों पे पट्टियां बांध के बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि हमको मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से इसके लिए खड़े होना है जी, उनको आप कैसे यकीन दिलाएंगे? नहीं जी, मैं यही इसी और जो ये मान के चल रहे हैं कि हिंदुस्तान में वो पैरेलल एक अपना सिस्टम चला रहे हैं जिसमें कानून उनका है अपना, पुलिस उनकी है अपनी, जांच एजेंसियां उनकी है अपनी, और अदालतें उनकी अपनी है कि हम तय करेंगे अपने आप जो करना है। जी मैं इसी मुद्दे पे आना चाहता था
कि कौम का सबसे बड़ा जो नुकसान कर रहे हैं वो ये लोग कर रहे हैं जो गलत बात पर गलत बात को डिफेंड करते हैं। कौम ऐसी नहीं है, कौम इनसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, ये लोग कौम से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हैं, लेकिन सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति को किसी तरीके से कंसोलिडेट कर लें, सिर्फ इसलिए। अदरवाइज कैसे संभव है कि ये सब दृश्य देखने के पश्चात, नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैंने शुरुआत में एक सवाल उठाया था कि असीम वकार जी को सबसे पहले रोहिंग्यास को भारत में शरण देने के लिए, ये और जो ये जितने मानवाधिकार वाले हैं आज जो कह रहे हैं कि वहां भी एक्सेस होना चाहिए, वहां भी एक्सेस होना चाहिए, जिस दिन किसी ने यह वक्तव्य दिया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान अपने आप को असुरक्षित करता है, आज उनको यह मांग करने से पहले कि यहां पे शरण देनी चाहिए, उससे पहले उन लोगों से माफी मंगवानी चाहिए, उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए, उनको कहा जाना चाहिए कि राजनीतिक पूर्वग्रह के तहत यह दिया गया बयान है, पहले यह कहो उसके बाद शरण की मांग करो। उस ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलने वाली हिंदुस्तान में, कि आप एक तरफ कहो कि मेरी पत्नी कह रही है कि इस देश में रहना मुश्किल हो रहा है। ओके ओके ओके, लास्ट कमेंट सुधांशु त्रिवेदी, बहुत छोटा सा। डॉक्टर साहब देखिए, मैं एक बात ये कहूंगा कि जो इन्होंने अभी मीडिया की एक्सेस की बात कही तो आ गए भाई शूट द मैसेंजर के ऊपर। अरे आपके जमाने में तो जेल में आरोपी का इंटरव्यू हो गया था भाई, जेल में जाके, और उसके बेस के ऊपर केस की इन्वेस्टिगेशन पलट दिया गया था। इसलिए मेरे विचार से हमें यह आरोप नहीं लगाना चाहिए, हमें ईमानदारी से बात करना चाहिए कि आज जो लोग कहते हैं कि हिंसा का विरोध कर रहे हैं बकार साहब जैसे, यही लोग अफजल गुरु का समर्थन करने वाले, इशरत जहां का समर्थन करने वाले, याकूब मेनन का समर्थन करने वाले, बटाल हाउस इनकाउंटर में आतंकवादियों का समर्थन करने वाले जब कहते हैं हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, तो मुझे वही कहावत याद आती रोहित जी कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। चलिए मत दीजिएगा, मैं कहावत के लिए कहता हूँ, मेरा मानना है कि इस ढंग के मामलों के ऊपर आप मजहबी चश्मे से अलग हटके ईमानदारी से देखिए और जो हकीकत है। अरे भाई मैंने जवाब दिया, आपकी पार्टी ओपनली आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और फिर आप कहते हैं कि हिंसा का समर्थन नहीं करते, बड़ा दुख भी होता है और हंसी भी आती है। समय इजाजत नहीं दे रहा सर, जवाब दूं आप, समय इजाजत नहीं दे रहा, समय इजाजत नहीं दे रहा, समझ में नहीं आती है, समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। रिजवान साहब आप भी कमेंट करना चाहते हैं, असीम वकार भी कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा काम केवल तस्वीरें सामने रखना है, लाके हम वहां तक जा पाए, वहां से तस्वीरें ले आए, देश के सामने रख दी। अब ये देश की राजनीतिक पार्टियों को तय करना है कि वो लाशों में अपना वोट बैंक ढूंढती हैं या फिर देश का हित ऊपर रखती हैं, और सरकार को तय करना है कि वो लाशों में वोट बैंक तलाशने वालों के सामने झुक जाते हैं या फिर देश हित को सबसे ऊपर रखते हैं, जैसा अब तक वो दावा करते हैं। फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर जारी है, यह बताते हुए कि जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग आप आगे भी लगातार देखते रहेंगे। अभी जो आपने देखा वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, आज रात डीएनए में भी आप इस पर और रिपोर्टिंग देखेंगे और आने वाले दिनों में इस पर विस्तार से कवरेज जी न्यूज आपको दिखाता रहेगा म्यांमार से।